Assalamu alaikum, this is Sir Muhammad Asad with your subject English. Hope you all are fine at your end. And today we are going to start our first unit and our first lesson. And the lesson is the buffalo. Which is in your book page number 1. First I will read the chapter and then I will explain. So let's start the chapter here. Do you know what is this? It is a buffalo. The buffalo is a familiar sight in Asia. There are numbers of them in Asia. This useful animal has often been regarded as unimportant by modern scientists. However, they are now taking a second look at this animal because petrol is getting more expensive. The buffalo does not rust, needs no spare parts, says one engineer. It is an animal, not the past, but of the future. It is the living tractor of Asia. In Asia, this animal is often cared for by farm children. It can live more than 25 years. It is also a working fertilizer factory for produce 6,800 clothes of dung every year. By tradition, these animals were sold or killed for meat. They were used to provide power on the farm. However, buffalo meat is a very good source of animal protein. Certain kinds of buffaloes can also produce a lot of milk through the kind farm. In Southeast Asia, give only a liter a day. Give proper care. The buffalo can turn into a good meat and milk producer. Buffalo farms are now found in Australia, Brazil, the Philippines, and Sri Lanka. A lot of research is now being done on the buffalo. It is a happy sign that we are taking fuller use of our natural resources. जी स्टूडेंट, तो आप लोग जानते हैं ये क्या है? ये बफेलो है, जिसे हम उर्दू में भैंस कहते हैं, और एशिया में हर कोई इससे वाकिफ है, क्योंकि एशिया में यहाँ ये लाखों की तादाद में मौजूद हैं। इस कारामत जानवर को जदीद साइंसदानों के मुताबिक गैर ज़रूरी समझा जाता रहा है, हालांकि अब वो उसके ऊपर अपना सेकंड रिव्यू ले रहे हैं, क्योंकि पेट्रोल जो है वो महंगा होता जा रहा है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई भैंस से पेट्रोल का क्या ताल्लुक है, क्योंकि भैंस को एशिया का ट्रैक्टर कहा जाता है। आपने देखा होगा ट्रैक्टर जो कि फील्ड्स में, हमारे खेतों में जो है वो खेती बाड़ी करने के काम आता है, फील्ड्स को प्लगिंग करने के काम आता है, ठीक। तो वो तो चलता है पेट्रोल से, अब पेट्रोल हो रहा है महंगा। तो पहले ज़माने में जब ट्रैक्टर नहीं हुआ करते थे, तो भैंसों के ज़रिए, गाय वगैरह के ज़रिए जो है वो खेती बाड़ी की जाती थी, हल चलाया जाता था। एक इंजीनियर जो कि भैंस को मशीन तशबी देता है, और ये कहता है कि ना तो इसे जंग लगता है, ना ही इसे स्पेयर पार्ट्स की ज़रूरत होती है। ये जो भैंस है ना सिर्फ माजी का जानवर है, बल्कि ये फ्यूचर में भी काम आने वाला है, और इसको लिविंग ट्रैक्टर यानी कि जीता जागता ट्रैक्टर कहा जाता है एशिया का। आमतौर पर भैंसों को बाड़ों में पाला जाता है। आपने देखा होगा अक्सर हमारे साइड एरियाज़ के अंदर बहुत सारे बाड़े होते हैं, जैसे कि हमारी भैंस कॉलोनी बहुत मशहूर है कि जहाँ पे बहुत सारे बाड़े हैं और उसके अंदर बहुत सारी भैंसें पाली जाती हैं, जहाँ पे उनका ख्याल रखने के लिए आदमी मौजूद होते हैं, लोग मौजूद होते हैं, जो कि उनके खाने का, उनके पीने का, उनके नहलाने का, या उनकी जितनी ज़रूरियातें पूरे करने का ख्याल रखते हैं। कहा जाता है कि जो भैंस की उम्र है वो कम अज़ कम 25 साल होती है। इसके साथ साथ भैंस को चलते फिरती गोबर की फैक्ट्री भी कहा जाता है, क्योंकि भैंस सालाना 6,800 किलो गोबर हमें जो है वो फराहम करती है, जिसको हम फर्टिलाइज़र के तौर पर यूज़ करते हैं। और आपको पता है फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल प्लांट्स वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे सब्ज़ियाँ उगाने के लिए, फल वगैरह उगाने के लिए। भैंस को वैसे कम ही काटा जाता है, उसकी गोश्त का इस्तेमाल वैसे कम होता है गाय के मुकाबले में, लेकिन आजकल थोड़ा सा रुझान देखा जा रहा है कि लोग जो हैं भैंस का गोश्त पसंद करने लगे हैं। और हमने अक्सर ईद पे भी देखा है कि पहले तो लोग गाय लाया करते थे काटने के लिए, अक्सर लोग अब जो है वो
भैंसे भी लाते हैं कुर्बान करने के लिए। तो इसका मतलब एक इसका ट्रेंड बढ़ रहा है, लोग इसके गोश्त को अब शौक़ से खाने लगे हैं। सो भैंस का जो गोश्त है वो बहुत ज़्यादा बिग सोर्स ऑफ प्रोटीन है, जिसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। इसके अलावा भैंस जो बहुत ज़्यादा मशहूर है एक चीज़ के लिए, वो है भैंस से मिलने वाला दूध, जो कि हर कोई इस्तेमाल करता है। गोश्त जो है वो लोग गन खाना पसंद करते हैं, लेकिन जब भी दूध की बात होती है तो लोग प्रेफर करते हैं बफेलो का ही मिल्क, के बहुत भैंस का दूध पिए, और हमारी अक्सर दुकानों पे जो है हमें भैंस का ही दूध मिलता है। कुछ ऐसी भैंसें भी हैं जो कि दिन में बहुत ज़्यादा जो है वो दूध देती हैं। इसके साथ साथ साउथ ईस्ट एशिया के अंदर ऐसी भी भैंसें पाई जाती हैं जो कि दिन के अंदर सिर्फ 1 किलो ही दूध देती हैं। हालांकि भैंस तो वाफर मकदार के दूध के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है कि भैंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा दूध देती है। अगर भैंस को प्रॉपर केयर की जाए तो वो हमें मुहैया करती है बहुत ज़्यादा गोश्त और इसके साथ साथ कई लीटर दूध। भैंसों के बड़े अब ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, फिलिपाइन और श्रीलंका में भी पाए जाते हैं। जी तो यहाँ हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। तो इस चैप्टर के अंदर हमने देखा कि हमने जो है वो भैंस के बारे में पढ़ा, भैंस के अफादियत के क्या क्या फ़ायदे हैं भैंस का, भैंस के कि भैंस से ना सिर्फ हमें दूध हासिल होता है बल्कि इसके साथ साथ हमें गोश्त भी हासिल होता है, और साथ साथ भैंस की जो खाल है उससे चमड़ा वगैरह भी बनता है। साथ साथ इसके अलावा भैंस को जीता जाता ट्रैक्टर भी कहा जाता है, राइट, कि वो हमारे खेतों के अंदर एज अ ट्रैक्टर काम करती है भैंस, कि वो हल चलाती है, राइट। इसके अलावा भैंस से जो है लोडिंग का काम भी लिया जाता है, बहुत से ऐसे हमारे विलेजेस वगैरह हैं वहाँ पर जो है वो जिस तरह बैलगाड़ी होती है इस तरह भैंस गाड़ी होती है, वो भैंस के ऊपर सामान रख के और जो है वो उससे लोडिंग का काम भी लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा भैंस का तो एक सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि भाई भैंस जो है वो हमें जो है वो गोबर देती है, जो कि हम फर्टिलाइज़र के तौर पे यूज़ करते हैं। इसके साथ साथ भैंस के जो फर्टिलाइज़र होता है उससे लोगों ने एक्सपेरिमेंट करके जो है उससे गैस बनाना शुरू कर दी है, बायोगैस जिसे हम कहते हैं, और अब उसका इस्तेमाल हो रहा है, राइट। तो इससे तमाम चीज़ों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भैंस कितना यूज़फुल एनिमल है। सो यहाँ हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट, रीडिंग कंप्लीट, एक्सप्लेनेशन कंप्लीट। नाउ मूव ऑन टू वर्क, यूनिट 1.1, कॉम्प्रिहेंशन, एक्सरसाइज ए, पुट टी इज इफ अ स्टेटमेंट इज ट्रू एंड एफ इफ इट इज फॉल्स। फर्स्ट स्टेटमेंट इज द बफेलो इज ऑफन सीन इन एशिया, भैंस जो है अक्सर एशिया में दिखी जाती है या पाई जाती है, ये स्टेटमेंट हमारा हो जाएगा ट्रू। नंबर टू इज वी डू नॉट नो द एग्जैक्ट नंबर ऑफ बफेलोज इन एशिया, हमें एग्जैक्ट नंबर नहीं पता कि एशिया में कितनी भैंसें पाई जाती हैं, ये स्टेटमेंट भी हमारा हो जाएगा ट्रू। नंबर थ्री स्टेटमेंट इज मॉडर्न साइंटिस्ट यूज टू अंडरएस्टिमेट द यूजफुलनेस ऑफ द बफेलो, यानी कि जो जदीद दौर के जो साइंसदान थे वो भैंस को अंडर एस्टिमेट करते रहे हैं कि वो एक यूज़फुल जानवर नहीं है, ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो जाएगा। नंबर फोर द बफेलो बिकम मोर इम्पॉर्टेंट व्हेन द पेट्रोल इज चीप, अगर पेट्रोल सस्ता हो गया तो भैंस की जो इम्पॉर्टेंस है, भैंस की जो अहमियत है वो मज़ीद बढ़ जाएगी, ये स्टेटमेंट हमारा हो जाएगा फॉल्स। और रिमेनिंग फोर स्टेटमेंट जो है ये आपने करने हैं, चैप्टर मैंने आपको पूरा ब्रीफ कर दिया है, अब आपने क्या करना है कि उसको देख के इनके जो है ट्रू एंड फॉल्स करने हैं। चार मैंने कर दिए हैं, बाकी के जो चार हैं वो आप खुद करेंगे।